Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. बच्चों, आज मैं MSc Entomology के बच्चों को सेमेस्टर 4 के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल में है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट उसके बारे में बताने जा रही हूँ. उसके बारे में आज हम कलेक्शन के बारे में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन क्या होता है. हम इंसेक्ट का कलेक्शन करते हैं, फिर उनको लैब में ला करके उनको प्रिजर्व करते हैं. और कलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. द मेन पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस फ्रॉम वेयर द इंसेक्ट शुड बी कलेक्टेड. नंबर 2, मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स. एंड 3rd इज द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ द कलेक्टेड इंसेक्ट. नाउ रिगार्डिंग द कलेक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा पीरियड होता है, बेस्ट पीरियड होता है जब हम कलेक्शन कर सकते हैं. सो द बेस्ट पीरियड फॉर कलेक्शन इज फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग अंटिल लेट रेनफॉल. अर्ली स्प्रिंग से लेट रेनफॉल तक हम इंसेक्ट को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं. बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है, किस समय हम इंसेक्ट्स को अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के समय हम इंसेक्ट का कलेक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं. पॉलीफेगस मीन्स प्लांट ईटिंग, बहुत प्लांट्स को के ऊपर वो डिपेंड करते हैं. तो प्लांट प्रोवाइड द बेस्ट प्लेस फॉर कलेक्टिंग देम. उनको हम प्लांट्स के ऊपर से बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरी तरह के इंसेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस इंसेक्ट. अब डेट्रीवोरस इंसेक्ट क्या होते हैं? डेट्रीवोरस इंसेक्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड विच कैन नॉट बी कलेक्टेड, विच कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ डेब्रिस, जिसको हम सड़े गली जगहों पर से हम कलेक्ट करते हैं. कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट. ऐसे इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं, दे कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द पीरियड, टाइम एंड टाइप्स ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट देम. अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन, इंसेक्ट को किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं. देर आर 7 वेज बाय विच कैन कलेक्ट द इंसेक्ट. इसमें से नंबर 1 है बाय हैंड पिकिंग, नंबर 2 बाय स्वीपिंग, नंबर 3 बाय बीटिंग, बाय एरियल नेटिंग, बाय एस्पायरेटर और बाय ट्रैपिंग. ट्रैपिंग के अंदर भी हम तीन तरह के ट्रैप्स यूज करते हैं, लाइट ट्रैप्स, बेट ट्रैप्स एंड विंड ट्रैप्स. 7th इज बाय यूजिंग बेरलेस फनल. तो इस तरह से 7 विधियों के द्वारा हम कलेक्शन कर सकते हैं. उनमें से हम एक एक करके एक एक विधि को हम देखेंगे. पहले हम देख रहे हैं बाय हैंड पिकिंग, हाथ से किस तरह से हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं. स्मॉल इंसेक्ट स्पेशली द सॉफ्ट बॉडीड वन शुड बी कलेक्टेड बाय हैंड. कैसे इंसेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं हम? छोटे छोटे इंसेक्ट जो कि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं उनको हम हैंड पिकिंग से आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं. और कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? उनको फाइन कैमिल हेयर ब्रश की सहायता से कलेक्ट कर सकते हैं या फोर्सेप की सहायता से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं. द सॉफ्ट ब्रश शुड बी डिप्ड इन द मीडियम इन विच द इंसेक्ट हैव टू बी प्रिजर्व्ड सो एज टू मिनिमाइज द डैमेज टू द सॉफ्ट स्किन. फॉर्सेप कैन बी यूज केयरफुली टू अवॉइड डैमेज टू द इंसेक्ट एज इन द केस ऑफ एंट्स एंड मैनी इंसेक्ट्स लार्वी. कुछ जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे चींटी है, इंसेक्ट के लार्वी हैं, उनको अगर फॉर्सेप से इस तरह पकड़ेंगे तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है उनका कोई भी बॉडी पार्ट. तो उनको केयरफुल हैंडलिंग करनी पड़ती है. और इस हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा हम कौन कौन से इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं? इंसेक्ट्स लाइक लीफ माइनर्स फ्रॉम ऑर्डर डिप्टेरा, एफिड्स फ्रॉम ऑर्डर हेमिप्टेरा, बार्क इनहिबिटिंग बीटल्स जो बार्क के अंदर रहते हैं, इंसेक्ट्स लिविंग अंडर स्टोन एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द ऑर्डर डर्मापटेरा एंड कॉलियोप्टेरा, टर्माइट्स एंड एक्सेट्रा आर कलेक्टेड बाय हैंड पिकिंग. तो ये तो एक मेथड हो गया जो है हैंड पिकिंग मेथड. दूसरा मेथड हमारा होता है बाय स्वीपिंग. स्वीपिंग जैसे झाड़ू से स्वीप करके इस तरह से हम
स्वीपिंग से इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं. स्वीपिंग विद द प्रॉपर नेट यील्ड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स व्हाइल कलेक्टिंग इंसेक्ट्स फ्रॉम हर्बेज. हर्बेज के ऊपर से इंसेक्ट को स्वीपिंग के द्वारा आराम से हम कलेक्ट कर सकते हैं. स्वीपिंग नेट्स मस्ट बी ऑफ टफ क्लॉथ, अ 50 to 60 centimeter लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैंडल विद 50 centimeter डेप्थ बैग इज क्वाइट गुड. द डिसएडवांटेज ऑफ स्वीपिंग मेथड इज, ये तो हम 50 centimeter डेप्थ तक कर सकते हैं, इसकी इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है? इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि वो इंसेक्ट्स जो कि कंसील्ड प्लेसेस में छुपक जाते हैं, छोटी छोटी छुप जाते हैं कहीं, उनको हम स्वीपिंग मेथड से कलेक्ट नहीं कर सकते. फिर हम नेक्स्ट मेथड आता है कलेक्शन का, बाय बीटिंग. बाय बीटिंग मीन्स बीटिंग इज यूजली एम्प्लॉयड टू डिसलॉज इंसेक्ट फ्रॉम फॉलिएज और ट्रीज. अ लॉन्ग स्टिक इज यूज टू बीट द प्लांट पार्ट and download strokes and tray or cloth is kept or spread over the ground to get the falling insect. A net may also be kept on the ground to provide the insect from escape after they fall to ground. फिर उसके बाद में दूसरा मेथड, जो बीटिंग मेथड मैंने आपको बताया, उसमें हम बीट कर किसी भी पेड़ के शाखा को हम उसको बीट करते हैं और नीचे कपड़ा लगा देते हैं या नेट लगा देते हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट आके गिर जाता है. फिर होता है नेक्स्ट मेथड, बाय एरियल नेटिंग. नेट जो हम यूज़ करते हैं, एरियल नेट्स. एरियल नेट्स आर मोस्ट वाइडली यूज टू कलेक्ट फ्री लिविंग फ्लाइंग इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाइज, मॉथ, बटरफ्लाइज, वेब्स, फ्लाइज, बीज एक्सेट्रा. द लेंथ ऑफ द हैंडल, डायमीटर ऑफ द रिंग, डेप्थ ऑफ द नेट मे वेरी ऑन इंडिविजुअल कलेक्टर्स प्रेफरेंस, बट नॉर्मली स्ट्रॉन्ग, लाइट, इजिली मैनेजेबल हैंडल विथ 30 to 40 centimeters डायामीटर रिंग एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल नाइलॉन बैग्स विद द डेप्थ ऑफ 50 to 70 centimeters आर यूज. आफ्टर नेटिंग द इंसेक्ट, द नेट शुड बी टर्न टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ कैप्चर्ड इंसेक्ट. सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स लाइक मॉथ एंड बटरफ्लाई मे बी जेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बैग. नेक्स्ट कलेक्शन का हमारा मेथड है बाय कलेक्टिंग विद एस्पायरेटर. अब ये एस्पायरेटर के थ्रू हम कैसे कलेक्ट करें? एस्पायरेटर क्या होता है? एस्पायरेटर जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्मॉल एक्टिव इंसेक्ट लाइक लीफ हॉपर्स, वाइट फ्लाइज, अदर बग्स, बीटल्स एक्सेट्रा मे बी कलेक्टेड बाय अ सकिंग ट्यूब और एस्पायरेटर स्ट्रेट फ्रॉम द प्लांट सर्फेस. It is a very simple device and if used with little patience and caution may yield desirable results. It is also useful to transfer insect from sweeping nets or from rearing cages. All that one has to do is to suck the air by rubber tubing which would draw the insect into the main tube through the glass tube. A vacuum cleaner may be the best example of the aspirator. Next method is our trapping method. By trapping, traps are easily and often very effective method of collecting several type of insects. अब ट्रैप मेथड से ये कैसे करेंगे हम? तीन तरह के हमारे पास ट्रैप्स मैंने आपको पहले भी बताए, जैसे लाइट ट्रैप्स, बेट ट्रैप्स और विंड ट्रैप्स. अब लाइट ट्रैप्स में क्या होता है? An artificial light, kerosene lamp, petromas, gas light, electrical lamp, if they are placed adjacent to a white muslin cloth in field, it attracts a number of insects like crickets, grasshoppers, moth, mantids, beetles, etc. Most of the insect attracted to the light and they would rest on the white cloth from where they are easily be picked up by hand or by aspirator. Simplest form would be to suspend a light source over a broad rimmed funnel which in turn may be filtered
fitted in a glass jar containing poison vapor or other killing agent. Light traps may work all night and may also supply data indicating seasonal incidence peak period for a population. Next trap is our bait traps. Bait traps mein kya hota hai? Isme odor, ek vishesh prakar ke sugandh iske andar gandh rakhi jati hai. The odor of a particular kind, food or pheromones like sex attractant act as a principal agent in the bait traps. Bait traps may include overripe fruit, piece of meat or flesh, rotten fungi, animal excreta, etc. And these may be put at proper place where the insect would gather. One of the simplest form is pitfall trap, where a jar containing bait is placed below the soil level to catch crawling insect like cockroaches, ground beetles, and etc. The bait traps may also be used for flying insects. A simple device is to be put a metal funnel with bait suspending at the top level inside a killing bottle, which would attract the flying insect. Pheromones, when used in field traps, may attract thousands of insects of different groups. Now, next one is our wind traps. Wind traps kya hote hain? The wind traps may range between a simple soak attached to a pole in the direction of wind, maybe an electrically operated suction device. In India, not much of the insect collections have been made by wind traps. Yellow pen water trap is simple device to attract aphids to the preferable color in which the pen is painted. It is a metal tray painted in yellow and half fitted up with water. Insects being attracted to color and fall into the water. Now the last method of collection of insect is the by using funnel. Last method is the by using funnel. By using funnel, soil insects or insects living in litter, leaf litters are collected along with part of the habitat and brought to the laboratory part, where they are usually put in the funnel, which acts as a separator. Several modifications of this device, known as burless funnel, are now available. The simplest form being a metal funnel with sieve inserted inside a can or collecting tube. The material, moss, debris, litter, it is put in the sieve, which is subjected to continuous heating by light bulbs. The collecting tube contains preserving fluid like alcohol, and the lip of the funnel touches the fluid. Insect, in order to escape from the heat, move down through the sieve and fall into the preservative. So these are some of the insect collecting method. Now here you can see the diagram. In the diagram you can see first is your groove and holes are cut in the end of the handle. In the second diagram you can see the wire from the rim is bent. In the third diagram you can see thread fitted into the hole and grooves and held tight in with wire. Fourth is finished net. And B is an aspirator. In the B picture, you can see the aspirator. How does the aspirator work? It is a tube-like structure. C is your light traps where a light source is placed. And D is your burless funnel. And the last one is the killing bottle. So students, this is all about the various types of collection method. In my next class, I will let you know about the collecting equipments like nets, aquatic dip nets, sweep nets, aerial nets, etc. Thank you.